हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। तो दोस्तों मेरे चैनल के नाम से आपको पता चल गया होगा कि मेरे चैनल पे हम लोग मिल करके इंग्लिश को सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मेरे पास जो बरसों का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का और मुझे जो ट्रेनिंग मिली हुई इंग्लिश पढ़ाने की, उसके हिसाब से मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि किसी भी लैंग्वेज को फोर पार्ट्स में सीखना चाहिए, चार हिस्सों में सीखना चाहिए। वो चारों हिस्से कौन कौन से हैं? वो हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं, जिन इन प्लेलिस्ट में हम तरह तरह के वीडियोज़ हैं जहाँ जाके हम अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके इन सारी प्लेलिस्ट के बारे में बताता हूँ। पहली प्लेलिस्ट है दोस्तों लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही अनोखे वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे ब्यूटी से बट क्यों होता है, प्यूटी से पुट क्यों होता है, डबल एल क्यों होता है किसी भी वर्ड में, या सी एच से च भी होता है, क भी होता है, श भी होता है, जी से कभी ग भी होता है और कभी ज भी होता है, ऐसा क्यों होता है। अगर आपको इन सारे बातों के जवाब जानने हो तो आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखने चाहिए। तो इसमें कमाल के वीडियोस हैं प्रोनंसिएशन के ऊपर, जो आपको जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो दूसरी प्लेलिस्ट है मेरी, वो है लर्न इंग्लिश ग्रामर। इसमें ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको काफ़ी डिटेल में समझाया गया है, और जिस भी टॉपिक की आपको ज़रूरत हो वो टॉपिक आप सर्च करके, वो वीडियो सर्च करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। हम सभी जानते हैं कि वोकैबुलरी सीखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास नई वोकैबुलरी होगी, नए नए वर्ड्स हम सीखेंगे, तभी हम हर तरह की बात को इंग्लिश में लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी के वीडियोज़ हैं और सिनोनिम्स के ऊपर और कलोकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वोकैबुलरी की बहुत आपकी मैक्सिमम जो नीड है वो यहाँ पर आकर के पूरी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये एक प्लेलिस्ट है अगली जिसके बारे में आपको एक खास तौर पे बताना चाहूँगा। इसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। इसमें ऐसे वीडियोज़ हैं, जैसे कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि वो इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, लेसन वन से स्टार्ट करके सीखना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को लेसन वन से सीखना चाहते हैं कि मुझे एक एक स्टेप करके सीखना है, तो आपको इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए और लेसन वन से आपको सीखना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें पूरी प्लानिंग के साथ इंग्लिश को कैसे सीखना चाहिए इसमें वीडियोस बनाए गए हैं। उसके बाद है दोस्तों लर्न स्पोकन फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए, इफेक्टिवली लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी, फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मेरी इस प्लेलिस्ट में आपको स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन टर्म्स, स्पोकन फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके काफ़ी काम आएंगे। फिर है दोस्तों मेरे पास जो प्लेलिस्ट, वो है लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। कई बार स्टूडेंट्स एक इंडिविजुअल सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, या जो अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे उसने मुझे हंसा दिया, इस प्रकार के सेंटेंस, तुम्हें शादी में नहीं जाना चाहिए था, मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, अलग अलग सेंटेंसेज हैं। तो ये सारे सेंटेंसेज कैसे बनेंगे अगर सिर्फ यही सीखना है आपको, तो आपको वो सारे वीडियोज, सारे स्ट्रक्चर्स इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। उसके बाद जो प्लेलिस्ट है दोस्तों मेरी, वो है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स। इसमें बहुत ही कमाल के वीडियोज़ हैं, जैसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी हमको दिन रात ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे अगर आपको किसी से टाइम पूछना हो तो कैसे टाइम पूछ सकते हैं, अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो कैसे बताएंगे, अगर हमको किसी को थैंक यू बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं, अगर किसी ने हमको थैंक यू बोल दिया तो हम बदले में हमको क्या जवाब देना चाहिए, एड्रेस पूछना है तो कैसे पूछेंगे, कोई हमसे पूछ ले तो कैसे बताएंगे। तो इसमें तमाम टॉपिक हैं, इन टॉपिक से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ये तो लगभग रेडीमेड तरीका है इंग्लिश को सीखने का। तो इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये प्लेलिस्ट है दोस्तों कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस की। इसमें रेडीमेड कॉन्वर्सेशन के सेट्स बने हुए हैं, दो लोगों के बातचीत, दो लोग अगर मिलकर बातचीत करें, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करें, तो इसमें आपको रेडीमेड डायलॉग्स मिलेंगे। अगर आपके पास एक पार्टनर है, एक फ्रेंड है, तो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के आप हर वीडियो से जो रेडीमेड वहाँ पर कॉन्वर्सेशन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस प्लेलिस्ट के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जैसे हम लंबे सेंटेंसेज, लॉन्ग सेंटेंसेज जब बनाते वक्त जनरली हमको दिक्कत होती है, तो इसमें स्ट्रक्चर समझाए गए हैं कि कैसे आप दो क्लॉजेज को ऐड करके, ज्वाइन करके आप लंबे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, खास करके ऐसे क्लॉजेज जिनमें दोनों में या तो सेम ही टेंस हो या अलग अलग टेंसेज हो, तो उनके क्या रूल्स होते हैं। तो ये एक एडवांस्ड लेवल का प्लेलिस्ट है, इधर जाके आपको काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी आसानी होगी।
उसके बाद है दोस्तों एक मोटिवेशनल इंग्लिश करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट में मोटिवेशनल टेक्स्ट हैं, तो मोटिवेशनल टेक्स्ट हैं उनमें आप वहाँ से आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी और मोटिवेशन भी सीखने को मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि हमको आप सिर्फ टेंसेज के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना के दे दो, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जो जिसमें सिर्फ सारे टेंसेज हैं, तो उसका नाम है लर्न ऑल द टेंसेज। इसमें सारे टेंसेज तो आपको मिलेंगे, हर टेंस का के यूजेस भी होते हैं, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस के स्ट्रक्चर सीखना और टेंस के यूजेस सीखना दोनों ही सीखने चाहिए, तभी सही मायने में हम टेंस को समझ पाते हैं। तो वो सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और दोस्तों जो लास्ट प्लेलिस्ट है वो है प्रैक्टिस टेस्ट, तो इसमें जो अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट हो सकते हैं ग्रामर के ऊपर उनके वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल टोटल 12 प्लेलिस्ट हैं, इनमें जाकर के आपको अपने ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। और दोस्तों मैं रेगुलरली लगभग डेली बेसिस पे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना चाहिए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहें, ये आप जानते ही हैं। तो मैंने आपको अपने चैनल के बारे में बताया और हम मिल करके साथ में इंग्लिश सीखते हैं, और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।